यूपी के रायबरेली में ताबड़तोड़ हो रही वारदातों से हैरान पुलिस ने उस समय चैन की सांस ली जब उन्होंने 28 जुलाई को लालगंज कोतवाली क्षेत्र में सराफा से हुई की गई लूट मामले का खुलासा करते हुए वारदात को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को धर दबोचा और उनके पास से लूटा गया लाखों की कीमत के जेवरात भी बरामद कर लिए। कल रात लालगंज क्षेत्र के मगई मोड़ के पास के जंगल में पुलिस ने जब दबिश दी तो वहां मौजूद बदमाशों ने सोजी टीम पर फायरिंग कर दी जिससे टीम का एक सिपाही घायल हो गया। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश भी घायल हुआ और उसका एक साथी मौके से पकड़ गया और उनसे पूछताछ के बाद वारदात में शामिल उनके 3 साथियों को भी पुलिस ने दबोच लिया और उनके पास से 2 तमंचे व कारतूस और लूट का माल भी बरामद कर लिया गया। पुलिस अधीक्षक ने एसओजी टीम को 15,000 रुपये पुरस्कार में देने की घोषणा की। दरअसल 28 जुलाई को जिले के लालगंज कस्बे के सराफा व्यापारी आशीष वाजपेयी अपने ग्राहकों से मिलकर वापस लालगंज लौट रहे थे। जैसे ही उनकी बाइक जगतपुर रामगढ़ी गांव के पास पहुंची सड़क किनारे खड़े एक युवक ने उन पर डंडे से हमला कर दिया और उनके पास मौजूद बैग को लेकर फरार हो गया। बैग में लाखों की कीमत के जेवरात थे। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। आला अधिकारियों ने मामले की कमान एसओजी टीम को सौंप दी। कल रात टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग कोतवाली क्षेत्र के मगही मोड़ के पास के जंगल में लूट के माल का बंटवारा कर रहे हैं। मौके पर पहुंची एसओजी टीम ने जब आवाज दी तो वहां मौजूद बदमाशों ने टीम पर फायरिंग कर दी जिससे टीम का एक सिपाही सुरेश घायल हो गया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में सोनू यादव नाम के बदमाश को भी गोली लगी। मौके से फरार हो रहे उसके साथी छोटू को भी पुलिस ने दबोच लिया और उनसे पूछताछ के बाद इनके 3 साथियों नवनीत लवकुश व बिमलेश को भी दबोच लिया और इनके पास से 2 तमंचे कारतूस 2 बाइक 1 आधार कार्ड व लूटे गए लाखों के जेवरात बरामद कर लिए। वारदात का खुलासा करने वाली एसओजी टीम को अपर पुलिस अधीक्षक नित्यानंद ने 15,000 का पुरस्कार देने की घोषणा भी की। 28 जुलाई को थाना लालगंज के अंतर्गत ग्राम जगतपुर रामगढ़ी में एक सोने का व्यापार करने वाले आशीष वाजपेयी जी जब वो अपने ग्राहकों को माल देकर के वापस आ रहे थे तो कुछ लुटेरों ने डंडा मार करके उनके पास से जो उनके चांदी और सोने के जो जेवरात थे वो छीन लिए थे। इस घटना के पीछे हमारी एसओजी टीम तथा थाना लालगंज तथा सर्किल लालगंज के क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में पूरी टीम लगी थी और इस घटना के लिए हम सर्विलांस की भी मदद दे रहे थे। कल रात को जब हमारे यहाँ बकरीद के त्यौहार की सुरक्षा को लेकर के चेकिंग चल रही थी तो मगही मोड़ जो लालगंज मधेपुर रोड है उसके जंगलों में हमारे मुखबिर ने सूचना दिया कि यहाँ पर कुछ संदिग्ध अवस्था में कुछ बंटवारे की सूचना है। इसको सर्विलांस से भी वेरीफाई किया गया तो वहाँ पर हमारी पुलिस ने उसको घेरा तो तब तक उस जंगल से निकलते हुए बदमाशों ने हमारे पुलिस के ऊपर एसओजी के ऊपर फायर किया जिससे हमारे सुरेश वर्मा नाम के सिपाही के दाहिने हाथ में चोट लगी। जवाबी आत्मरक्षार्थ हमारी एसओजी ने तथा पुलिस ने इसको कार्रवाई किया तो उसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी। दूसरा भागा जिसको कॉम्पिंग करते हुए उसको पकड़ा गया जिसने अपना नाम छोटू बताया। उसने ये बताया कि और हमारे साथी जो इस घटना में शामिल थे जिन्होंने माल बंटवारे में मिला है वो भी आगे कहीं भाग रहे हैं। उसको चारों तरफ से कॉम्बिंग किया गया पुलिस के द्वारा वो तीनों को भी पकड़ा गया और पूरी घटना का अनावरण किया गया है और जितना माल आशीष वाजपेयी जी का गया था वो सब बरामद हुआ है। इस तरीके से पुलिस ने बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छी कार्रवाई करके एक घटना का अनावरण किया है जिससे व्यापारियों में जनता में पुलिस की पुनः साख